पिछले 8.5 वर्षों में भाजपा के कार्यकाल के दौरान ना तो शिक्षकों की कोई भर्ती हुई है, ना ही कोई नया स्कूल यूनिवर्सिटी खुली है, जबकि कांग्रेस के 10 वर्षों में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की गई थी। लेकिन अब स्कूलों को अपग्रेड करना या नए स्कूल कॉलेज खुलना तो बड़े दूर की बात है। जो बचे कुछ सरकारी स्कूल हैं उन पर भी आए दिन तालाबंदी और शिक्षकों की कमी बड़े दुर्भाग्य की बात है। कुल मिलाकर शिक्षा, जवान और किसान सभी सरकार के निशाने पर हैं, यह कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का, जो कोसली में महर्षि वाल्मीकि मंदिर में मत्था टेकने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। किसान के, मजदूर के और ग्रामीण अंचल से आने वाले वो बच्चे थे, तो आज उनको बड़ा भारी सफर होना पड़ रहा है इस सरकार की नीतियों की वजह से। तो ये इसे फसल खराब हुई, हाँ जी हाँ जी, लोगों ने बीमा करवा रखे है, उसके बावजूद तरह तरह की शर्त लगा करके देखो, एक जो आंकड़ा जो उड़ा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था कि जो बीमा कंपनियां थी, इन्होंने पिछले साल 40,000 करोड़ का फायदा उठाया। वो फायदा किससे? किसान की जेब से, क्योंकि बीमा कंपनी में मैक्सिमम तो पैसा किसान देता है, या थोड़ा इसका कंट्रीब्यूशन प्रदेश सरकार देती है, वो भी जो अपना टैक्स भरते हैं उनकी जेब से। तो ये प्राइवेट कंपनियां इतना मुनाफा कमाएं और किसान को बीमा कराने के बाद भी उसका लाभ पूरा ना मिले, दर दर ठोकरी खाने पड़े, तो ये अन्याय है। ये शुरुआत से हमने कही थी बात, जब ये कृषि बीमा की स्कीम आई थी तो तब ये कहा गया था कि कई जो ऐसी बीमा कंपनियां रही हैं जो पब्लिक सेक्टर की थी, अभी प्राइवेटाइजेशन का दौर, वो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां, वो मंत्रालय के अंतर्गत उन पे कंडीशंस लगाकर और कहीं ना कहीं उस पे सरकारी नियंत्रण आवश्यकता, ये वही बात है जो अभी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में हर चीज़ प्राइवेट करना, कहीं ना कहीं ये जो नीति है। आज के दिन सारे अस्पताल प्राइवेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को फेयर अगर असेसमेंट करनी होती है तो एम्स में जाके दिखाता है, क्योंकि एम्स के डॉक्टर को ये नहीं देखना कि भाई कितना पैसा कमाना है। ये इसीलिए सरकारी जो है, चाहे वो बीमा कंपनियां हों, चाहे वो सरकारी स्कूल हों, चाहे सरकारी अस्पताल हों, जिसमें एम्स का अस्पताल की मनेठी की बात भी हमने करी आज, ये सरकार जो निजीकरण की नीति पर आई है उसका जो है उससे नुकसान भी है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी बातें, और इसमें बीमा कंपनी में हमने पीछे बात उठाई थी, सरकार इसमें आ गया है। हमारी मांग है किसान के लिए कि भाई सरकार स्वयं जहां बीमा नहीं कराया गया वहां मुआवजा डिक्लेयर करे, और जहां कराया गया है वहां सरकार इसमें जिम्मेदारी ले पूरी तरीके से। किसान को इस बार तो लेट बारिश आई अभी हफ्ते पहले, जिससे व्यापक नुकसान हमारे इलाके में हुआ है। और उस